क्या ऋषभ पंत थे नॉट आउट? ऋषभ पंत के कैच को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी तेज हो चुकी है। ऋषभ पंत की कंट्रोवर्सी को लेकर अब दिग्गजों का बयान भी आना शुरू हो चुका है, लेकिन क्या कुछ हुआ इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे और इसके साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऋषभ पंत आउट थे या फिर नहीं थे। बात है एजाज पटेल के ओवर की, और जब ऋषभ पंत लंच के बाद बैटिंग करने के लिए आए तो वहाँ पर ऋषभ पंत सेटल नज़र आ रहे थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। इसके बाद एक एजाज पटेल की गेंद होती है जो कि वो फ्लाइटेड गेंद फेंकते हैं, ऋषभ पंत आगे को कूदते हैं, और उसके बाद जब ऋषभ पंत उस गेंद को डिफेंड करने जाते हैं तो ऋषभ का बल्ला ऐसा प्रतीत होता है कि गेंद पर जाकर लगा है, और उसके बाद उस गेंद को कीपर द्वारा कैच कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ऋषभ पंत का यहाँ पर अपील की जाती है। उसके बाद जो अपील काफ़ी ज़ोर से हुई थी, उसके बाद जो मैदानी अंपायर हैं वो उनको आउट करार देते हैं। फिर ऋषभ पंत काफ़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आते हैं और तुरंत इंस्टेंटली वो एक रिव्यू लेते हैं, लेकिन उसके बाद सारा मामला जो ख़राब होता है वो रिव्यू के वक्त ख़राब होता है। जब रिव्यू में एक बार देखा जाता है तो ऋषभ पंत जब आगे को अपना बैट लेकर आते हैं तो उसी दौरान जो बॉल उनके बैट की तरफ उसके एडजेसेंट में रहती है तो उस दौरान उनका बैट पैड को भी हिट करता है। तो अब स्निकोमीटर पर वो नॉइस जो है वो पकड़ी जाती है और निक की जो आवाज़ होती है वो पकड़ी जाती है। उसके बाद थर्ड एम्पायर कुछ देर उसको देखते ज़रूर रहते हैं, लेकिन उसी के बेसिस पर एम्पायर उसको आउट करार देते हैं और उसके बाद ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो कंट्रोवर्सी है वो यही उठ रही है कि ऋषभ पंत का जो बैट है वो पैड को हिट किया था, और उसी वक्त जब बॉल वहाँ पर आई थी तो वो जो बॉल थी वो उसकी नॉइज़ नहीं थी, वो नॉइज़ पैड को हिट करने की नॉइज़ थी। तो ये ऋषभ पंत का मानना है, और आप लोगों का क्या मानना है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मैदानी अंपायर अपना डिसीजन सुना चुके थे और उनके डिसीजन के मुताबिक ये डिसीजन होना था और उन्होंने आउट दे दिया था, तो थर्ड एम्पायर का भी जो डिसीजन था वो आउट था, और इस तरीके से ऋषभ पंत की वो कमाल की पारी का समापन हुआ। हालांकि एक अच्छा एंड नहीं हुआ ऋषभ पंत की पारी का, अगर मारकर आउट होते तो वो ज़्यादा बेटर एंड था, लेकिन ऋषभ पंत के साथ जो ये LBW की कंट्रोवर्सी है, जो पॉल राइफल की जो थर्ड एम्पायरिंग थी उसको लेकर थोड़ा सा चर्चाएँ यहाँ पर तेज हो गई हैं। AB de Villiers जिन्होंने अब यहाँ पर कहा है कि हॉटस्पॉट कहाँ है, क्योंकि हॉटस्पॉट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर पैड पर लगती भी है बैट तो उसके बाद भी अगर बॉल बैट से पास हो रही है तो वो एक ब्लैक एंड वाइट की जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बता देता है कि गेंद क्या बैट में लगी है या फिर नहीं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर यूज़ की जाती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल उठ रहा है, और हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की कि ऋषभ पंत को लेकर किस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर चलती आ रही है। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऋषभ पंत क्या वाकई आउट थे या फिर नॉट आउट। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।